चाहे खाना हो, पीना हो, रहना हो, जीना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, नौकरी करनी हो, आपका यदि स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, आप सेहतमंद नहीं है, तो किसी भी चीज का मायने नहीं है। हाइपर इंसुलिनीमिया बार बार खाने से होता है। हर आधे घंटे पे अगर हमने कुछ खाना है तो इंसुलिन ज्यादा निकलेगा और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करेगा। क्योर का रास्ता हैज टू बी माइनस ड्रगलेस। पहली बात तो फास्ट फूड का डेफिनेशन चेंज करना होगा। फास्ट फूड केला क्यों नहीं हो सकता है? ये फास्ट है और ये फूड है, तो पूरा का पूरा डेफिनेशन चेंज करना होगा फास्ट फूड का, नंबर वन। नंबर टू, न्यूट्रिशन और टेस्ट में फर्क मालूम करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन आपको कहाँ से आ रहा है और टेस्ट क्या चीज है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव बढ़ता जा रहा है। काम का बोझ, नींद की कमी, अस्वस्थ भोजन, सुस्त जीवन शैली और भी अनेक कारण हैं जिसके कारण हमारे शरीर को हार्म पहुंच रहा है। कारण है कि ब्लड शुगर की दवाइयां हो, डायबिटीज की दवाइयां हो, वह हम सेवन करने लगे हैं। ऐसे में जियो नेचुरल आपके लिए एक बेहतर इलाज लेकर आया है। आज इसका इनॉग्रेशन था। और क्या कुछ ये आपके जीवन शैली को शैली में सुधार लाएगा, क्या आपके जीवन में बदलाव लाएगा, हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर सुमन लाल। मैडम, ये जियो नेचुरल शैली अब किस तरह से लोगों के जीवन में बदलाव लाएगा? देखिए, हम नेचुरली तो जी ही नहीं रहे हैं, हम तो सब चीज़ अननेचुरल कर रहे हैं। कब उठते हैं, सूरज कब उठ जगता है, मतलब सूरज कब जगता है, हम कब जगते हैं, हम कब सोते हैं, रात कब होती है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, है ना, कैसे जगते हैं, मोबाइल सारे टाइम रखते हैं, सारे भोजन में इतना पोल्यूशन है। अभी आम का सीज़न है, इतना लीची का सीज़न है, ज़रा देख लीजिए उसकी क्या हालत है। तो हम नेचुरल कुछ भी नहीं, ना खा रहे, ना पी रहे, ना जी रहे। हम लोगों ने भी एक पानी का टेस्टिंग रखा था, इत्तेफाक से अभी बिजली भी चली गई है और आप लोग के लोग भी साथ में है नहीं ज़्यादा, तो हम नहीं तो हम दिखाते आप लोगों को। तो हम लोग नेचुरल मतलब जी नहीं रहे। तो ये जो जियो नेचुरल एकेडमी है, वो ये फिर से वापस सबको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे नेचुरली अपने, जैसे हम लोगों ने आज दो ये कार्यक्रम रखा था, एक शंख बजाने का और एक स्किपिंग का। तो शंख बजाना कोई अननेचुरल बात नहीं है ना, लेकिन अभी तो हम अननेचुरल ही समझ रहे हैं, कोई नहीं बजा रहा है, बहुत कम लोग बजाते हैं। और उससे कितने फ़ायदे होते हैं वो तो ऐसे हम लोग बताएं या गूगल में जाके पढ़ लीजिए। स्किपिंग कराया हमने, लड़की बच्चों का, स्टूडेंट्स का ये जो चैम्पियनशिप रखा है, तो उसमें हमने पाया कि 10 50 60 बच्चे थे, उसमें से 10 बच्चे ही कर पाए, मतलब स्किपिंग या शंख बजाने की तो बात खैर एक ही दोने की। तो आप चाहे खाना हो, पीना हो, रहना हो, जीना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, नौकरी करनी हो, आपका यदि स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, आप सेहतमंद नहीं है, तो किसी भी चीज़ का मायने नहीं। मतलब एक सवाल है कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के पेशेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं, गांव कस्बों तक ये बीमारियां जो है फैल गई है। हमारा सवाल है कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में कैसे आप निजात दिलाएंगे, क्योंकि डॉक्टर तो सलाह देते हैं कि आप दवाइयां कमोबेश लेते रहिए, इससे कभी आप छुटकारा आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपको अभी दिख रहा है बोर्ड पे, एक यहाँ पे द थर्ड आई जिसके फाउंडर हैं डॉक्टर अवधेश पांडे और जियो नेचुरल की फाउंडर, आपने जैसे बताया मैं हूँ, तो हम लोग मिल के इस अभियान को शुरू किए हैं बिहार में, पटना से शुरू कर रहे हैं अभी। और बहुत नायाब तरीके से, आप सर के मुझसे ही सुनिए कि बहुत ही नायाब तरीके से कैसे हम लोग एक बीमारी नहीं, कोई एक बीमारी का नाम नहीं लेंगे हम लोग। नाम लेना इसलिए पड़ रहा है कि शुगर आज बहुत भयावह स्थिति पैदा कर चुका है, हर घर में है, तो शायद लोग यहाँ से जगें, कोई तो एक पॉइंट ढूंढना पड़ता है। तो हम लोगों ने इसलिए शुगर को ढूंढा है क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहा है और बहुत ज़्यादा पेशेंट हो चुके हैं। बच्चे हमारे इसकी कैटेगरी में ना आए, वो अभी से जग जाएं, इसलिए उनको भी हम अवेयर करने के लिए आज जो हमने कॉन्टेस्ट रखा था। तो मेरा ये कहना है कि आप एक बीमारी का नाम लेके हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, ये फ्रेंचाइजी या ये एसोसिएशन या ये मार्गदर्शन जो भी कह लीजिए, वो शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको सारी बीमारियों के बारे में बात करेंगे। और शुगर कैसे रिवर्स होगा 3 दिन में, जो 23, 24, 25 तारीख को पटना में कैंप लगाया जा रहा है,
उसके बारे में आप डॉक्टर पांडे से। आज बच्चे तो ये कार्यक्रम जो था इसमें 60 बच्चे करीब होंगे, एक विद्यापीठ के थे और एक और इंस्टीट्यूशन के हैं, उसका नाम है पांडे सर से बात करेंगे, जो जिनके कंधों पे बहुत बड़ी चुनौती है। सर, आप डॉक्टर को कैसे झूठ लाएंगे, क्योंकि डॉक्टर तो सलाह देते हैं कि अगर आपको जीवन में अगर बदलाव लाना है, आप अपने आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मेडिसिन लेते रहिए, तो कैसे आप उसे निजात दिलाएंगे? अगर ब्लड शुगर एक लेवल पे रखना है तो मेडिसिन लेना पड़ेगा, अगर ब्लड शुगर बिना मेडिसिन के उस लेवल पे रखना है तो कारण समझना पड़ेगा कि डायबिटीज़ का कारण क्या है। डायबिटीज़ का कारण ब्लड शुगर नहीं है, इसीलिए डायबिटीज़ एक ब्लड शुगर डिजीज़ नहीं है। डायबिटीज़ हाइपर इंसुलिनीमिया का इफेक्ट है। हाइपर इंसुलिनीमिया बार बार खाने से होता है, हर आधे घंटे पे अगर हमने कुछ खाना है तो इंसुलिन ज़्यादा निकलेगा और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करेगा। अगर हमने दो खाने के बीच में 8 घंटे का गैप दे दिया तो अपने आप इंसुलिन कम निकलेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस चला जाएगा, 7.5 घंटे बॉडी को लगता है जो प्रीवियस इंसुलिन है उसको मेटाबोलाइज करने में। तो अगर 8 घंटे का गैप देंगे तो सभी चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, सभी चीज़ें अपने आप नॉर्मल भी आ जाएंगी, दवा भी बंद हो सकती है और आप नॉर्मल हो सकते हैं। नहीं, अगर दवाइयों पर ही कंट्रोल किया तो वन हैज़ टू बी लकी नॉट टू डाई ऑफ अ हार्ट अटैक, क्योंकि होने को कैंसर के भी बहुत चांसेस होते हैं इसमें। ये सिर्फ इसलिए है कि ब्लड शुगर को समग्र रूप से ख़त्म नहीं किया हमने, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं इस पे बोलना चाहूँगा कि मैं क्या करता हूँ, बाकी दुनिया क्या कर रही है वो उनका लुकआउट हो सकता है, और मैं उस पे टिप्पणी करना ठीक भी नहीं है, बिकॉज वो बहुत वाइज लोग हैं जो ये कर रहे हैं और बहुत वाइज डॉक्टर्स हैं, बड़े एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। लेकिन मेरी एक छोटी सी बात यह है कि ब्लड शुगर की दवा दे के ब्लड शुगर ठीक हो गया क्या? डायबिटीज़ की दवा दे के डायबिटीज़ ठीक हो गया क्या? तो दवा का रास्ता क्योर का रास्ता नहीं है, दवा का रास्ता हैज़ टू बी माइनस क्योर का रास्ता हैज़ टू बी माइनस ड्रगलेस। देखिए, पहली बात तो उनको जैसे ही उनकी दवा बंद होगी तो आप देखिए ना, उनके खर्चे भी बहुत कम हो जाएंगे, दवा का खर्च कम हो जाएगा, अगर कोई डेबिलिटेटिंग डिजीज़ है वो भी ठीक होने की स्थिति में आ जाएगा, उनके घर के बच्चे अगर लगे हैं, मान लीजिए अगर डायबिटीज़ के चलते किडनी भी फेल करता है, किडनी फेल हो गया है, किडनी फेल रिवर्स करने लगेगा, तो ये बहुत से फ़ायदे होंगे उसको, पेशेंट को। हम जो 23, 24 और 25 जून को यहाँ पे कैंप कर रहे हैं उसमें वो कोई रजिस्टर भी कर सकता है और कोई पूछ भी सकता है, हम उसको सारा कुछ बताएंगे। ये अभी तो हम लोग पाटलिपुत्र कॉलोनी में ही लगा रहे हैं, वंदना कैफ़े है एक सहयोग हॉस्पिटल के बगल में, वहाँ पे शुरू कर रहे हैं, और वहाँ पर ये है कि हम कोई मेडिसिन नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ साइंस यूज़ कर रहे हैं फॉर क्योरिंग। और देखें, आप अगर मेडिसिन का डेफिनेशन गूगल में टाइप करेंगे, डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन, तो आपको मिलेगा द साइंस दैट प्रिवेंट्स और क्योर्स अ डिजीज इज मेडिसिन। आप किस आधार पे कर रहे हैं, आपके पास क्या ऐसा सबूत है, या क्या आपने वैसी पढ़ाइयाँ कर रखी है या रिसर्च आप किए हैं? किस आधार पे लोग आप पे भरोसा करें? बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। आप देखिए, मैं कोरोना टाइम में हम लोग 15,000 लोगों को ठीक किया, हमें जिसने कांटेक्ट किया वो ठीक हो गए, क्योर हो गए, और उस समय से जो लोगों ने भरोसा जताना शुरू किया, क्योंकि उस समय हमने कुछ भी चार्ज नहीं किया था, इट वाज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो एक ट्रीटमेंट था वो, ताकि लोग स्वस्थ हो जाएं, तो वहाँ से ये कॉन्फिडेंस जगा कि हम एक्चुअली ये किया जा सकता, और ये करते 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 हम स्थिति में आए हैं कि हमें करीब करीब दवा बंद करने के 12 से 18 से 24 घंटे में ब्लड शुगर भी नॉर्मल हो जाता है,
ब्लड शुगर को इनपुट कितना देना है, कितना मेंटेन करना है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि हम उसको खाना क्या दे रहे हैं। तो ये सारा टाइम टेस्टेड है। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाएंगे तो आप देखेंगे वो जो पेशेंट्स भी हैं उनके टेलीफोन नंबर्स एड्रेसेस भी हैं, आप खुद ही मालूम कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि डायबिटीज़ में हाइपरग्लाइसीमिया से ज़्यादा खतरा नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया से ज़्यादा खतरा है। ब्लड शुगर फॉल नहीं करना चाहिए, फॉल करेगा तो कई कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए हम फॉल नहीं करने देते हैं। और वो एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कुक्ड फूड कितना देना है, रॉ फूड कितना देना है, कौन सी दवा ले रहे हैं, तो कब बंद करनी है, कितने दिनों में बंद करनी है, ब्लड शुगर नॉर्मल होगा तो बंद करनी है, कैसे करनी है, वो सारा कुछ हमारा प्रोसेस है। जहाँ पर आप अगर 23, 24, 25 को आएंगे तो आप देखेंगे कि हम कैसे कर रहे हैं, कैसे लोगों का ब्लड शुगर नॉर्मल आ जा रहा है और वो क्या सकते हैं। ज़रूर, पहली बात तो फास्ट फूड का डेफिनेशन चेंज करना होगा। फास्ट फूड केला क्यों नहीं हो सकता है, ये फास्ट है और ये फूड है, तो पूरा का पूरा डेफिनेशन चेंज करना होगा फास्ट फूड का, नंबर वन। नंबर टू, न्यूट्रिशन और टेस्ट में फ़र्क मालूम करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन आपको कहाँ से आ रहा है और टेस्ट क्या चीज़ है। कुक्ड फूड ज़्यादातर टेस्ट के लिए होता है, टेस्ट भी एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन न्यूट्रिशन के लिए आप क्या कर रहे हैं ये जानना ज़रूरी है। ज़्यादातर जो रॉ फूड होता है, जो स्प्राउट्स होते हैं, सैलड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, न्यूट्रिशन से लोडेड होते हैं। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड टेस्ट दोनों अगर हो तो जीवन भी अच्छा चलता है, खुशियाँ भी आती हैं, सेहत भी ठीक रहता है और आप यूथ के तरफ चलते जाते हो, ना कि ओल्ड एज के तरफ चलते जाए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था डॉक्टर सुमन लाल का, साथ ही साथ डॉक्टर अवधेश पांडे का। ये बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, खासतौर से बिहार के लिए, जो कि यहाँ संभव नहीं था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश दवाइयाँ जो है वो आप खा रहे होंगे, या फिर होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यही दवाइयाँ आप यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन अब आपको इन सबों से निजात दिलाने के लिए जियो नेचुरल एक पहल करने जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आप भी 23, 24 और 25 जून को इनके कार्यक्रम में शामिल हों, ताकि आपको भी यह फ़ायदा दिखे, आप आगे भी लोगों को बताएं और लोग भी धीरे धीरे जुड़ने लगें कि कैसे अपने लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। सहयोगी गौतम के साथ, न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।